Hello everyone, today we are going to discuss fourth chapter of unit 1 of industrial management, that is type of production systems. So first of all, what is production? It is the process by which goods and services are created. Production kya hota hai? Ek process hoti hai jisse hum goods and services create karte hain. Hamare jo production system hota hai uska aim kya hota hai? The main aim of any production system is to produce economically the goods and services required by the customer. Production system ka aim hota hai ki economically hum goods and services produce karein jo ki customer ko required hai. Now concept of production function kya hota hai? The production function shows a technical or engineering relationship between the physical input and physical output of a firm for a given state of technology. जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो एक रिलेशनशिप हमें देता है फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट में. ये फार्मूला होता है, इसमें फिजिकल ये क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी. ए बी सी हमारे हैं, ये फिजिकल इनपुट्स हैं और क्यू हमारा फिजिकल आउटपुट है जो हमें मिलेगा. नाउ प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम में सिंपली बी डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स material capital manpower into goods and services desired by the customer. Production system एक system होता है जिसमें हम transform करते हैं inputs को output में, यानी goods and services में, जो कि हमारे customer को required है. एक diagram के through हम देखते हैं production system. Production system में first of all inputs and last में हमें output मिलता है. बीच में transformation process होती है कि कैसे हम उसको transfer करेंगे. इनपुट्स में हम क्या लेते हैं? लेबर लेते हैं, कैपिटल यानी पैसे वगैरह, टेक्नोलॉजी एंड मशीन मटेरियल्स वगैरह लेते हैं इनपुट में. ये हमारा रॉ मटेरियल एक टाइप से समझ लीजिए आप. एंड आउटपुट में हमें मिलता क्या है? गुड्स मिलती हैं, सर्विसेज मिलते हैं, पैकेजिंग एंड शिपिंग वगैरह चीज़ें हमें मिलती हैं आउटपुट में. अभी इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना होता है, उसका सुपरविज़न करना होता है, देखभाल करनी होती है, इंस्पेक्शन करना होता है, क्वालिटी कंट्रोल देखना होता है कि कैसी क्वालिटी बन रही, एंड स्टोरेज. हमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है, हमें चीज़ें रखनी पड़ती हैं. जब इनपुट से आउटपुट मिलता है तो बीच में काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको स्टोर भी करना पड़ता है हमें. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. प्रोडक्शन सिस्टम दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. ये जो कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम होता है वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, मास प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोसेस प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन्स. एंड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन में डिवाइड होता है. नाउ कॉन्टीन्यूअस और फ्लो प्रोडक्शन क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स अ कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. हमारे कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन में सिस्टम में क्या होता है कि एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है और हम एक इनपुट डालते हैं और हमें उस प्रोसेस के थ्रू लास्ट में आउटपुट मिल जाता है. बीच में हमें कुछ नहीं करना होता है. वो मशीनों का ऐसा अरेंजमेंट हम करते हैं कि स्टार्टिंग से लास्ट तक चलती रहती है प्रोसेस. वेरियस मशीन्स आर अरेंज्ड इन प्रोसेस वाइज सिक्वेंस सो दैट देयर इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. एक मशीन से दूसरे मशीन में उनका अरेंजमेंट ही इस टाइप से होता है कि एक मशीन का जो इनपुट आउटपुट होता है वो दूसरी मशीन के लिए इनपुट होकर फिर ऐसे फर्दर चलता रहता है. अभी हमें देर इज़ नो मोमेंट ऑफ द फ्लो लाइन. कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है? कोई भी मोमेंट फ्लो लाइन के एक्सेप्ट नहीं होता, फ्लो लाइन में ही सारा मोमेंट होता है. नाउ एडवांटेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज़ मिनिमम. जो वर्क इन प्रोसेस होता है मिनिमम हो जाता है हमारा. फ्यू जॉब इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड. जॉब इंस्ट्रक्शंस कम देनी पड़ती हैं तो हमें कम लोगों को हायर करना पड़ता है. एंड लेस स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड. और स्टोरेज स्पेस भी कम रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हमें एक मशीन का आउटपुट कहीं रखना नहीं है क्योंकि वो तुरंत ही दूसरी मशीन का इनपुट बन जाता है. नाउ मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन रिफर टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टैंडर्डाइज आइटम और कंपोनेंट ऑन अ लार्ज स्केल. मास प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स होते हैं उनका हम प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे. स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ मटेरियल मशीन्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन में जो हमें बेसिक बात याद रखनी है वो ये होती है कि हम जो मटेरियल लेते एक स्टैंडर्ड मटेरियल लेते हैं, मशीन प्रोडक्ट एंड जो प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं.
The component manufactured under mass production are combined in assembly line. और जो हम मास प्रोडक्शन में कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं वो असेंबली लाइन में जाके हम उनको असेंबल करते हैं और उससे हमें वो प्रोडक्ट मिलता है जो कि हम कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। मास प्रोडक्शन में हम क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल्स के सामान, ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके चीज़ें, बाइसिकल वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं वो हम मास प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको मास प्रोडक्शन कहते हैं। और चूँकि कंटिन्यूस का पार्ट है इसलिए इसमें भी एक मशीन्स का सिक्वेंस होता है और उसमें काम होता है। नाउ एडवांटेज, देर इज़ अ स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल अमंग द वर्क स्टेशन टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। चूँकि ये कॉन्टीन्यूस है तो इसमें स्टार्ट होता है काम और तब तक चलता रहता है जब तक हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिल नहीं जाता। आउटपुट ऑफ वन मशीन इज़ द इनपुट ऑफ नेक्स्ट मशीन, एंड सो ऑन। हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच वर्कशॉप इज़ हायर, चूँकि हमारे एक सिक्वेंस वाइज काम चलता रहता है, डैट्स वाई जो प्रोडक्टिविटी होती है वर्कशॉप की वो काफ़ी हाई होती है। लेस स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क इन प्रोसेस। डिसएडवांटेज क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन विल स्टॉप एन इंटायर प्रोडक्शन लाइन। अगर एक भी मशीन में प्रॉब्लम होती है तो हमारे पूरा ही प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाती है। हाई इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज़ रिक्वायर्ड। हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है बिकॉज हमें इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदनी होती हैं। प्रोसेस प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर डिमांड रेदर देन इन रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर प्रोसेस। हम प्रोसेस प्रोडक्शन में क्या करते हैं? मास प्रोडक्शन में हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर की हमारे ऑर्डर दिया होता है हमें कस्टमर ने, बट इन केस ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड होती हैं, लाइक पेट्रोलियम, केमिकल, स्टील, शुगर। ये कोई ऑर्डर नहीं करता, ये हर कस्टमर की रिक्वायर्ड होती है। प्रोसेस प्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइड इंटू टू टाइप्स। फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि लाइक पेट्रोलियम है हमारा, क्रूड ऑयल या हुआ, उससे हम उसको ब्रेक डाउन कर करके अलग अलग चीज़ें बनती रहती है, पेट्रोल, डीजल, गैस, नेचुरल गैस वगैरह। एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें क्या होता है हम अलग अलग कंपोनेंट्स लाते हैं और एक जगह ला के मिलाते हैं। An analytical industry such as an oil refinery breaks up the crude oil into several parts along with the process production. But a synthetic industry such as a chemical factory involves the mixing up of two or more materials to manufacture a product. Advantage, the quality of output is kept uniform because each stage develops expertise थ्रू रिपीटेशन ऑफ वर्क। इसमें हम रिपीटेशन होता रहता है वो एक प्रोसेस का, तो उसमें एक्सपर्टीज हो जाती है हमें। एनी डिले एट एनी स्टेज इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द सेट पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन लाइन। हमें मटेरियल से हैंडलिंग नहीं करनी होती क्योंकि एक प्रोसेस होती है वो चलती रहती है, इनिशियल से हम इनिशियल गुड्स डालते हैं एंड वी गेट फाइनल गुड। नाउ असेंबली लाइन थर्ड कैटेगरी। This type of production system is commonly followed in the automobile industries. Under this, a number of components are combined or assembled to manufacture a finished product, say a car or a bike. Assembly lines में क्या होता है, जो भी हमने mass production से component बनाए होते हैं उनको हम यहाँ पर assemble करते हैं। Now intermittent production system. In case of intermittent industries, components are made for inventory but they are combined differently for different customers. इस केस में हम कुछ लिस्ट जो हमारी होती है लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स वो बनाते हैं बट उनको अरेंज कस्टमर की डिमांड के हिसाब से करते हैं, जिस टाइप की डिमांड है कस्टमर की उस टाइप से अरेंज करते हैं। द फिनिश प्रोडक्ट इज़ हेट्रोजीनियस बट विद इन अ रेंज ऑफ स्टैंडर्डाइज ऑप्शन असेंबल्ड बाई द मैनुफैक्चर। इसमें हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं बट एक रेंज के अंदर होते हैं हेट्रोजीनियस, लाइक टीवी, लैपटॉप। तो इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, कुछ कंपोनेंट कॉमन ही होते हैं, तो जिस टाइप के कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से हम उनको अरेंज असेंबल करके दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमोबाइल प्लांट्स जो होते हैं
लाइक उसमें इंजन तो सब पे ही लगेगा, कार में भी वही इंजन लगेगा, बाइक में भी लगेगा, तो इस टाइप से इलेक्ट्रिकल गुड्स भी काफ़ी जो होते हैं जो कॉमन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। नाउ जॉब प्रोडक्शन, जॉब और यूनिट प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कस्टमर डिमांड। जॉब प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक जो हमारी कस्टमर की का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्ट आर नॉन स्टैंडर्डाइज एंड आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं होते, हम जो हमारे कस्टमर की डिमांड है हम वो बना के उन्हें देने लगते हैं। अभी तक जितने हमने पढ़े उसमें सारे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होते थे एंड बट ये फर्स्ट है जिसमें स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। एडवांटेज, सिंस जनरल पर्पस मशीन्स एंड फैसिलिटीज आर इंस्टॉल्ड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसमें हम जो भी जनरल यूज़ की मशीन्स होती हैं एंड फैसिलिटीज़ होती हैं उनको हम रखते हैं, तो उससे हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कस्टमर की डिमांड उस टाइप का प्रोडक्ट हम बना के उनको दे सकते हैं। द ऑपरेटर्स विल बिकम मोर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट एज ईच जॉब वुड गिव दम लर्निंग एक्सपीरियंस। जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड स्किल्डफुल बन जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग उन्हें जॉब करने का एक्सपीरियंस मिलता है, अलग अलग चीज़ें सीखने की एक्सपीरियंस मिलता है। हायर क्वालिटी कुड बी एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ स्मॉल जॉब एंड बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। इसमें क्या होता है, हम बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बनाते हैं, तो छोटी चीज़ें होती हैं तो हमें जो हमारी क्वालिटी होती है वो अच्छी होने की उम्मीद होती है, एंड हम जो लेबर इसमें यूज़ करते हैं वो स्किल्ड लेबर होता है, इसलिए हमें हायर क्वालिटी की उम्मीद होती है। नाउ डिसएडवांटेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज़ हायर बिकॉज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। क्या होता है, इसमें जो हमारी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो हाई हो जाती है, क्योंकि हम कुछ ही अमाउंट ऑफ गुड्स बना रहे होते हैं, बल्कि मास प्रोडक्शन में मास अमाउंट पे कर रहे होते हैं, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है हमारी। प्रोडक्शन माइट हैव टू बी स्टॉप्ड इफ़ नो फ्रेश ऑर्डर इज़ एट हैंड। बट अगर हमारे हैंड में ऑर्डर नहीं है, अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं, तो उस समय में अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ जाता है। नाउ बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन इन स्मॉल और लार्ज बैचेस और लॉट्स ऑफ इंटरवल्स बाय अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, ईच ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट ऑन द होल बैच बिफोर एनी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, हम जैसे मास प्रोडक्शन में करते थे, एक लंबी से ऑपरेशन करते हैं एंड देन हम जो हमने जॉब प्रोडक्शन में किया था उसकी तरह हम हेट्रोजीनियस बनाते, अलग अलग ऑर्डर्स, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं एज़ पर कंज्यूमर डिमांड। बैच प्रोडक्शन इज़ अ मिक्सचर ऑफ मास प्रोडक्शन एंड जॉब प्रोडक्शन। इसीलिए बैच प्रोडक्शन जो हमारा वो मास प्रोडक्शन एंड जॉब प्रोडक्शन का मिक्सचर है। मास प्रोडक्शन क्यों, बिकॉज यहाँ पे जैसे मास प्रोडक्शन में मास अमाउंट में हम प्रोडक्ट बनाते थे, इसमें बैच प्रोडक्शन में भी हम वो करते हैं, एंड जॉब प्रोडक्शन में जैसे हम एज़ पर कस्टमर डिमांड चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, वही हम बैच प्रोडक्शन में भी करते हैं बट विद अलॉट ऑफ मीन्स इन विद मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बट इन जॉब प्रोडक्शन हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, बट इन बैच प्रोडक्शन हमारे पास मास ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जिससे हम कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, असेंबल करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियल ब्लोअर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, बुक प्रिंटिंग एटीसी। एडवांटेज, देर इज़ अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे हमारा जो प्लांट होता है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, बिकॉज हम मास अमाउंट पे चीज़ें बना रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। देर इज़ अ लोअर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मास प्रोडक्शन के में हमें ज़्यादा मशीनरी चाहिए होती थी, यहाँ पे जो मशीनरी है हमें वो कम चाहिए होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम होता है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज़ लो। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मास प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन में हमें इतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती थी, बिकॉज हमारी मशीनरी ही इतनी अच्छी होती थी कि वो हमें इनपुट से सीधे आउटपुट देती थी, बट इस केस में हमें स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, बिकॉज हमारे पास हमें बार बार चेंज करनी होती वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए,
जो प्रोसेस है वो चेंज करनी पड़ती है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बिकम्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें बना रहे होते हैं इसलिए हमारी जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थैंक यू।